गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। आज हम केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो हमारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, उनमें हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरीके से अटेन होता है। यू हैव सीन अ ग्राफ ऑन द स्क्रीन, आपको ग्राफ नजर आ रहा है। ये एक सिंपल रिएक्शन मैंने लिया है, व्हेन ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू सी प्लस डी। ए प्लस बी आर रिएक्टेंट्स, सी प्लस डी एंड जो है वो आपके प्रोडक्ट्स हैं। इनिशियली जब रिएक्शन हमारी शुरू होती है तो नेचुरल सी बात है हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन कम होता है। एज टाइम गोज ऑन इनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होती जाती है और प्रोडक्ट्स की बढ़ती जाती है। दिस इज अ स्टेट विच वी कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो केमिकल प्रोसेस है उसमें इक्विलिब्रियम कैसे अटेन हुआ। बेटा, केमिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन होता है जब हमारा रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि ये एक रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन। व्हेन ए प्लस बी कंबाइंड विद ईच अदर, सी प्लस डी इज फॉर्म्ड। जब रिएक्शन का एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ए प्लस बी सी प्लस डी बना रहे हैं उतने ही सी प्लस डी टूटकर ए प्लस बी बनाए, then there is no change in the reaction, कोई net change नहीं आता। that is basically known as chemical equilibrium. remember one thing, chemical equilibrium is dynamic in nature, वो dynamic रहेगा nature में। क्यों रहेगा dynamic? क्योंकि जो मेरे reactants के molecules हैं, particles हैं या atoms हैं, वो किस में convert हो रहे हैं? C प्लस डी में। और जो C प्लस डी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? A प्लस बी में। तो दैट इज व्हाई इट इज अ डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब है पार्टिकल्स का मूवमेंट है लेकिन ओवरऑल नेट चेंज कुछ भी नहीं आ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्लास में बच्चे बैठे हैं, क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं नो प्रॉब्लम, क्लास के बाहर भी कुछ बच्चे खड़े हैं। अब क्लास के अंदर अगर दो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, और क्लास के बाहर भी दो बच्चे जा रहे हैं, तो कोई ओवरऑल चेंज नहीं आएगा दोनों जगह की स्ट्रेंथ में। क्लास के अंदर भी सेम स्ट्रेंथ रहेगी, क्लास के बाहर भी रहेगी। तो एक्चुअली में ये होता है हमारे केमिकल रिएक्शंस में कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स के पार्टिकल्स टूट कर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों प्रोसेस इक्वल हो जाते हैं एंड दैट इज वाई इक्विलिब्रियम इज सेट अप। दैट इज द मेन पॉइंट। Now we can understand it by using some examples, जैसे कि ये कुछ examples आपके सामने हैं। It is the formation of ammonia, ammonia का formation है and it is the formation of HI, hydrogen iodide. Nitrogen when combines with hydrogen, ammonia is formed and this reaction is carried out in a catalyst. Catalyst के presence में reaction basically होती है, transition metal हमारे इसमें as a catalyst use होते हैं। ऐसे ही हमारी एच आई की रिएक्शन है कि व्हेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंबाइंस विद ईच अदर तो हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि इनमें इक्विलिब्रियम कैसा। बात वही है, हमने इससे पिछले वाली वीडियो में एक चीज डिस्कस की थी, हमारे पास तीन तरह की रिएक्शंस आएंगी। कौन सी? एक वो रिएक्शंस जिसमें मैक्सिमम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके होंगे प्रोडक्ट्स में और तब जाकर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। दूसरा पॉइंट, एक रिएक्शन वो होगी जिसमें बहुत थोड़े से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए और इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, और एक रिएक्शन होगी जिसमें ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो रहेगा कि रिएक्टेंट्स 50% कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट्स में और इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। किसी भी तरीके का आपका इक्विलिब्रियम हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या कि हमारा जो रिएक्शन मिक्सर है उसमें जो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है वो डायनेमिक होता है।
द मेन थिंग इज दैट हम उसको स्टैटिक नहीं कह सकते क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, वो लगातार मोशन में होते हैं. सो केमिकल रिएक्शन रिएक्ट अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल एंड दीज देर इज नो नेट चेंज इन द कंपोजिशन. तो दिस इज द एग्जिट जस्ट ऑफ द टॉपिक. के टॉपिक का जस्ट क्या है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एंड नो नेट चेंज इन कंपोजिशन अकर्स एंड दैट इज वाई हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दे दिया है इक्विलिब्रियम. तो दिस इज अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.